अगर आपने एक ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोचा होगा, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको लोगों से पेमेंट लेनी पड़ती है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करवानी पड़ती है, तो वहां पर आपने कोई शब्द सुना होगा पेमेंट गेटवे। तो दोस्तों बेसिकली पेमेंट गेटवे होता क्या है, अगर आप जानना चाहते हो बिल्कुल आसान शब्दों में, मतलब कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा और टेक्निकल के हिसाब से हो सकता है मेरी जो डेफिनेशन है जो मैं बताऊँ सही भी ना हो, बट अगर आप एक बिल्कुल न्यू यूज़र हो या बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल सिंपल अगर मैं हिंदी भाषा में आसान शब्दों में बताऊँ, तो आपको पेमेंट गेटवे का महत्व क्या चीज़ होती है वो समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली जो पेमेंट गेटवे होता है ना, वो एक बीच का प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर आपका बिजनेस है ठीक है और दूसरी तरफ कस्टमर है। तो कस्टमर जब बिजनेस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, मतलब आपसे कोई सामान खरीदा, अब सामान के बदले वो पैसे देता है। अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन है तो यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो वहाँ पर कैश की तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पर ये पेमेंट गेटवे काम करता है। और ये पेमेंट गेटवे बीच में होता है बिजनेस और कस्टमर के बीच में। बेसिकली कस्टमर आपको पैसा दे पाए, आपके साथ ट्रांजेक्शन कराए, आपको जो भी उसने सर्विस या प्रोडक्ट परचेज कराए उसके पैसे आपके अकाउंट तक पहुंचा पाए, तो इसलिए पेमेंट गेटवे काम करते हैं। तो पेमेंट गेटवे के अंदर एक दो चीज़ें होती है, एक पेमेंट गेटवे होता है, एक होता है पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर। तो दोनों बेसिकली अलग अलग चीज़ें होती है, बट कई बार हम इन दोनों को इंटरचेंज भी यूज़ कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका कस्टमर है, वो पेमेंट तो कैसे भी कर सकते हैं ना, वो UPI से भी कर सकता है, वो वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकता है, मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकता है, और इंडिया में रुपए कार्ड चलता है वो यूज़ कर सकता है, या फिर किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग कर सकता है, चाहे वो SBI हो चाहे वो HDFC हो। तो इन सब का अलग अलग अगर आप अप्रूवल लेने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप मान लीजिए ना कितने हज़ार ऑप्शन या कितने लाख, मतलब लाख तो नहीं बोलूँगा, मतलब कितने हज़ार ऑप्शन यहाँ पर पेमेंट्स के हो सकते हैं जिससे कस्टमर पे करे। तो ऐसे में जहाँ यूज़ आता है वो आता है पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर का। तो ये क्या करता है, इनका प्लेटफॉर्म पहले से तैयार होता है, इनके पास सबके अप्रूवल होते हैं और ये आगे आपको अपनी सर्विसेज दे देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको हर बैंक के पास इंडिविजुअल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा इन एग्रीगेटर के पास जाते हो। इन एग्रीगेटर के पास पहले से अप्रूवल होता है, आप इनका इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट या आपका जो भी बिजनेस है उसमें इंटीग्रेट करके आप काम चला लेते हो। और अगर मैं इसे और आसान शब्दों में बोलूं तो आप ऐसा मानिए, अगर आपको एक ऑनलाइन पेमेंट लेनी है तो आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, क्योंकि कस्टमर को जब भी ट्रस्ट होगा या कस्टमर कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो आपके पास तक पेमेंट कैसे पहुंचेगी। तो ये सारी चीज़ें ये पेमेंट गेटवे या पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर करते हैं। अब इन पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर का क्या फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों में, तो एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपसे एक ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुई है तो उसमें से 1-2% ये पेमेंट गेटवे वाले काट लेते हैं, मतलब ये उनका प्रॉफिट होता है। इसके बदले में वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो इतना तो आपको मान के चलना पड़ता है कि यार आपका 1-2% पेमेंट गेटवे वाले ले जाएंगे। जो लोग सर्विसेज में डील करते हैं तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, उन्हें तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा या ऑनलाइन एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे का यूज करना ही पड़ता है पेमेंट लेने के लिए। बट अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करते हो, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मेरा मोबाइल है, अगर आप किसी वेबसाइट से मोबाइल परचेज करते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो अगर ये डिलीवर होता है तो इसके बदले में आप COD का ऑप्शन दे सकते हो। बट COD में क्या होता है, कई बार कस्टमर ऑर्डर कर देता बाद में वो रिफ्यूज कर देता, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। और COD में क्या होता है, जो कोरियर चार्जेस होते हैं ना वो थोड़े से हाई होते हैं। तो यहीं पर अगर आपकी पेमेंट ऑनलाइन है, ये पेमेंट गेटवे के थ्रू होती है, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार कस्टमर ने पहले पेमेंट कर दी, मतलब वो जेन्युइन कस्टमर है, उसे प्रोडक्ट चाहिए, तो बिजनेसेस को काफी ज्यादा इसमें आसानी हो जाती है। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन एक ई कॉमर्स स्टोर या कोई भी ऐसी सर्विसेज सेल करने के बारे में सोचे, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोचे, कोई भी ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें आपको कस्टमर से पेमेंट लेनी है, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे के अगर हम ऑप्शन देख लें तो यहाँ पर काफी सारे होते हैं, जैसे रेजर पे हो गया, फोन पे हो गया, इंस्टामोजो हो गया, या फिर कैश फ्री करके पेमेंट गेटवे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। एक बार गूगल सर्च करेंगे आपको सबके ऑप्शन दिख जाएंगे। और अगर आपको पेमेंट गेटवे अपने बिजनेस के लिए चाहिए तो आपको एक GST नंबर, पैन कार्ड और एक आधार कार्ड आपको बेसिकली चाहिए होता है, अगर सोल प्रोप्राइटर, अगर एक कंपनी है तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब चीजों की जरूरत होती है, तो आप उनका इस्तेमाल करके पेमेंट गेटवे ले सकते हो। हालांकि एक अभी पेमेंट गेटवे में एक प्रॉब्लम चल रही है कि काफी सारे पेमेंट गेटवे जो एग्रीगेटर है वो अप्रूवल नहीं दे रहा, मतलब ऑनबोर्डिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आप इंस्टामोजो के साथ जा सकते हैं, वो अप्रूवल दे रहा है, या एक फोन पे का भी न्यू रिसेंटली लॉन्च हुआ पेमेंट गेटवे, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। तो बेसिकली ये दो अच्छे पेमेंट गेटवे, आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो।
बट ये देखना कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट या अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ पेमेंट गेटवे किसी के साथ इंटीग्रेट हो पाते हैं आसानी से और किसी के साथ कंपेटेबल नहीं होता। मतलब कंपेटेबल तो नहीं बोलूंगा, मतलब वन क्लिक नहीं होता, उसमें थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल चीजें होती है, तो अगर वो आप कर सकते तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप उनके साथ ना जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना है कि पेमेंट गेटवे के बारे में या और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।